अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अब्दुल खान और आज मैं टॉपिक ये कवर करने वाला हूँ कि बहुत सारे लोगों का कहना है या होता भी है कि शादी के बाद लड़कियों के जो है बूब्स बड़े हो जाते हैं या ज़्यादा सेक्स करने से भी लड़कियों के बूब्स बड़े हो जाते हैं, क्यों, क्या रीज़न है आखिर इसका। इस बारे में बात करने वाला हूँ बहुत शॉर्ट वीडियो में, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहता हूं जिनको कम ज्ञान है सेक्सुअल नॉलेज का उनके लिए, और सेक्सुअल बीमारियों पे और अदर बीमारियों पे भी वीडियो बनाता रहता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे देखें। तो देखिए, होता यह है कि जब कोई लड़की की शादी होती है या वो अत्यधिक सेक्स करती है, तो इसमें होता ये है कि एक हार्मोन्स होता है लेडीज़ का, जो प्राइमरी हार्मोन्स होता है लेडीज़ का, जिसे कहते हैं एस्ट्रोजन। तो सेक्स करने की वजह से एस्ट्रोजन हार्मोन्स बढ़ता है, और एक प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स होता है, वो भी हेल्पिंग होता है, वो भी बढ़ता है। और शादी के बाद या सेक्स करने से लड़कियों को एक खुशी भी मिलती है। अब सेक्स करें, ऊपर से खुश रहें और अच्छा अगर खाना भी खाएं, तो हार्मोन्स पीक पे होता है, जिस कारण लड़कियों के ब्रेस्ट का साइज बढ़ जाता है नॉर्मल लड़कियों की अपेक्षा में, ठीक है। तो यही इसका मेन कारण है और दूसरा कोई नहीं है कि दबाने से बढ़ जाएंगे या टच करने से बढ़ जाएंगे। हाँ, 19-20 होता है, क्योंकि उसमें जो है कॉन्टेक्ट बूब्स होंगे और स्टेच होंगे, तो थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा, लेकिन इतना नहीं पड़ेगा जो कि इंटरनल हार्मोन से फ़र्क पड़ेगा। बहुत सारी लड़कियों में होता यह है कि वो बिना सेक्स किए, बिना शादी किए भी उनके ब्रेस्ट साइज़ बड़े हो जाते हैं या बूब्स के साइज़ बड़े हो जाते हैं, हिप बड़े हो जाते हैं। तो उनका मेन कारण यह होता है, उनका नेचुरली जो है एस्ट्रोजन हार्मोन्स ज़्यादा रिलीज होता है, डाइट भी सही लेती हैं, खुश भी रहते हैं, इस कारण वो उनके ब्रेस्ट बड़े होते हैं, हिप बड़े होते हैं, प्लस ज़्यादातर लड़कियाँ मोटी भी हो जाती हैं। तो ये है, अब ये मिथ ना पालें कि कोई लड़की का ब्रेस्ट बड़ा है तो उसने सेक्स ही किया है। नो, ऐसा नहीं है। बहुत लोगों को नेचुरली हार्मोन्स अच्छा खासा रिलीज होता है, क्योंकि ये हार्मोन्स तो 13-14 साल के बाद लड़कियों में रिलीज होने ही लगता है, लेकिन कम मात्रा में होता है। सेक्स करने के बाद या शादी करने के बाद भी सेक्स करेंगी, उस वक्त थोड़ा पीक पे आ जाता है, इसलिए कुछ ज़्यादा ही ग्रो हो जाता है। तो आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। वहीं पर एक बात और बता दूँ कि कुछ लड़कियाँ ऐसी होती हैं जो सेक्स भी करती हैं, उनकी शादी भी हो चुकी है तो भी सेक्स करती हैं, फिर भी उनका जो है ब्रेस्ट नहीं बढ़ता या हिप साइज ग्रो नहीं करता। उनका मेन कारण ये होता है कि उनका बहुत स्लो रिलीज होता है एस्ट्रोजन हार्मोन्स, स्लो, जिस कारण वो शादी ना भी करें या करें भी तब भी वो उतना रिलीज नहीं होता, तभी जो है उनके पिचके के पिचके रहते हैं, समझ रहे हैं। तो उसमें जो है मेडिकेशन की ज़रूरत होती है, अच्छी क्वालिटी की जड़ी बूटियाँ उनकी प्रॉब्लम के हिसाब से, या उनको कोई अगर कोई अदर बीमारी है, बहुत सारी बीमारियाँ भी होती हैं जिसके कारण नहीं बढ़ पाते हैं, तो उनका एक ट्रीटमेंट करें, अच्छे डॉक्टर से मिलें, सब सही हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट, टेक केयर।